अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 और टॉपिक हमारा है आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन सबसे पहले आप डिफिनेशन के बारे में समझे। डिफिनेशन मैंने क्या लिखा है और है क्या, ये मैंने नहीं लिखा है, ये कोर्स में शामिल है, आपके कोर्स कहता है, ये केमिस्ट्री कहता है, ये सारी दुनिया कहता है, ठीक है। सिर्फ मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ दुनिया को पालन किया है, ठीक है। तो जनाब क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होता है, किसी एटम का वो टेंडेंसी है, वो एबिलिटी है, जब वो कोवेलेंट बॉन्ड किसी के साथ करता है। आप लोगों ने थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर बाद में आता है, लेकिन जिन जिन लोगों ने पढ़ा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। और जो आप लोग हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स के दरमियान वो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का इश्तराक हो जाता है। दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करके अपना बैलेंस, दोनों अपना अपना बैलेंस है मुकम्मल कर देता है। आप देखिए जरा, हमारे पास HCl को देखो या HF को देखो, चलो HF को देखो, हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 9 है, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके नेक्स्ट शेल में कितने होंगे, 7 होंगे कि नहीं। अभी ऑक्टेट रूल को आप लोगों ने पढ़ा है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल वो रूल है जिसके जरिए एटम अपना वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल कर देता है। तो अभी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये तो ऐसा नहीं कर सकता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहां पर तो आएगा लेकिन इसका वैलेंस शेल तबाह हो जाएगा, ठीक है। अभी ये भी नहीं हो सकता है कि ये अपना वैलेंस अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसके साथ तो फिर सेक्स इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, फिर ये भी मजीद अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन कुछ इस तरह करेगा कि ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर देता है, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी क्या हो जाता है, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन को हमने इश्तराक किया तो क्या बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसका 1, 2, तो इसका भी वैलेंस कंप्लीट है, इसका भी वैलेंस कंप्लीट है, ओके जी, ठीक है। इसका वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, डॉपलर रूल के तहत उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया है, और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, उन्होंने भी अपने आप को स्टेबल किया है। अब देखो मैंने डिफिनेशन लिखा था, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी एटम के वो काबिलियत, वो सलाहियत, वो एबिलिटी जिसके जरिए वो कोवेलेंट बॉन्ड में, ये जो मुश्तरिका इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, ये मुश्तरिका जोड़ा, किसी एटम के वो काबिलियत जो मुश्तरिका जोड़ा जोड़े को अपनी तरफ ज्यादा खींच ले लेता है। तो अब देखो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 था ना, जब इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन कितने होंगे, 1 ही होगा, 1 ही प्रोटॉन होगा, तो यहां पर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। जब यहां पर इस एटम को जरा देखो, इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 9 थे, एटॉमिक नंबर इसका 9 था, तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 9 थे, तो अभी इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी 9 होंगे। अब देखो जनाब, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये जो मुश्तरिका जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, क्या 9 प्रोटॉन ज्यादा इसको अपनी तरफ खींच लेगा या 1 प्रोटॉन ज्यादा खींच लेगा। जाहिर बात है 9 प्रोटॉन की फोर्स बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा खींच लेगा, तो ये जो मुश्तरिका इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ये इस तरफ, इस एटम की तरफ आएगा। सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि इस काबिलियत को, जो किसी, जब किसी एटम मुश्तरिका इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपने तरफ ज्यादा खींच लेता है, इस अमल को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया, आया समझो, तो मसला तो नहीं है कोई।
जनाब इसे हम उनको क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी एटम की वो एबिलिटी है, मुश्किल नहीं है आसान है, किसी एटम की वो एबिलिटी है जब कोई एटम मुश्तरक इलेक्ट्रॉन कवेलेंट बॉन्ड में मुश्तरक जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं वो अपने तरफ ज्यादा खींच लेता है। जैसे कि ये एटम अपने ये जो मुश्तरक इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ ज्यादा खींच लेता है, इसको कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जनाब अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्हिसार होता है, वो फैक्टर्स क्या है। सबसे पहला फैक्टर पॉलिंग फॉर द फैक्टर दैट इफेक्ट ईएन, ईएन मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले आप किसी एटम के न्यूक्लियर चार्ज को देख लेंगे, अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो समझो कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है जाहिर बात है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, ज्यादा नहीं होगी अपने तरफ। जब न्यूक्लियर चार्ज जिस एटम में प्रोटॉन ज्यादा है, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और मुश्तरी का इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कैंच लेगा ना, तो सबसे पहला जो तुम्हारे पास फैक्टर है वो न्यूक्लियर चार्ज है। तो आप देखेंगे जब न्यूक्लियर चार्ज किसी एटम के ज्यादा होंगे तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। अच्छा नंबर सेकंड एटॉमिक रेडियस, लेकिन रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि अगर रेडियस बढ़ जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज तो कमजोर पड़ जाता है ना, अगर रेडियस बढ़ जाता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं। देखो अगर कुछ इस तरह है, लेट्स फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ये एक एटम है तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर पड़े हुए हैं, अभी वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर पड़े हुए हैं क्योंकि रेडियस बड़ा है, तो अभी इसका अट्रैक्शन तो अपने ही इलेक्ट्रॉन पर कमजोर पड़ रहा है, तो यार बाहर से कैसे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा, कोई और बाहर से तो नहीं खींच लेगा लेकिन मुश्तरक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने तरफ नहीं खींच सकता है। तो जनाब जब रेडियस बढ़ जाता है तो समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होता जाएगा। तो दो फैक्टर्स, पहला फैक्टर क्या था, पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज था, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर नंबर सेकंड अगर रेडियस बढ़ जाता है ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम पड़ जाता है, ठीक है ओके। मतलब तो नहीं, थर्ड फैक्टर हमारे पास शेडिंग इफेक्ट है। शेडिंग इफेक्ट क्या होता है, आप लोगों ने कल पढ़ा था कि शेडिंग इफेक्ट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब इस न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, जो अट्रैक्शन है, इस पर कमजोर पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, अंदर एटम के पैड के अंदर से गड़बड़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का आपस में रिफल्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को रिफेल कर देता है ना, ये तो जाहिर बात है निगेटिव निगेटिव चार्ज है सारे के सारे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के पीछे आएगा, ये भी आना चाहता है, ये भी आना चाहता है, ये भी आना चाहता है, तो जब 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 ये आता है तो इसको धक्का दे के यार मैं मुझे जगह नहीं मिलता है आप कैसे आ रहा है, ठीक है इस तरह करता है कि नहीं करता है। आपने किसी बैंक में अपना कोई बिल जमा किया है कि नहीं जमा किया है, तो सारे के सारे हमारे टेंडेंसी बैंक की तरफ होता है, काउंटर की तरफ होती है, हम काउंटर की तरफ दौड़ दौड़ लगा के एक दूसरे को धक्के देकर हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि काउंटर पर पहले पहुंच जाए, लेकिन आगे जो खड़े होते हैं ना, जो हमारे जिनका नंबर हमसे आगे होता है, तो हमें धक्के देके यार क्या करते हो ना, मैं भी कतार में खड़ा हूँ, मैं भी इस तरह करता हूँ ना, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन भी कतार में खड़ा होता है न्यूक्लियस के पीछे, तो ये चाहता है ये जब अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको धक्के देकर नहीं आना यार, जाओ वापस आओ वापस हो जाओ। तो अभी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कमजोर पड़ जाता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो तो कवेलेंट बॉन्ड अगर करेगा किसी के साथ वो शेयर करेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो जनाब जब ये शेयर कर देता है तो अभी कैसे खींच लेगा क्योंकि ऑलरेडी अट्रैक्शन तो कमजोर है। तो शेडिंग इफेक्ट जब बढ़ जाता है तो समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम हो जाएगा, जब शेडिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम हो जाएगा। जनाब द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल आप लोगों ने थोड़ा सा वो पढ़ा था, थोड़ा सा आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने तुम्हें पी कहा था,
अगर p में तो सारे के सारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर p हाफ फिल्ड है या p फुल फिल्ड है, यानी p में 6 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं या p में 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। या ये भी स्टेबिलिटी का निशान है, ये भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी का निशान है, और ये भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी का निशान है। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी एटम का, अगर उसका पी में हाफ इलेक्ट्रॉन आते हैं या पी में फुल इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप समझने की कोशिश करो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह है। जब इस तरह होता है तो अभी ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से अगर शराकत उन्होंने किसी के साथ किया है तो वो अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो जनाब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आप एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह होंगे, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। जब ज्यादा स्टेबल होते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा पड़ जाता है, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड करता है तो मुश्तरक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगा। दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेनेशन करने में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी एक रूल ही होता है। जनाब इसके अलावा कुछ सब फैक्टर्स भी है, बेशक आपने जितने फैक्टर्स, चार फैक्टर्स आपने पढ़े हैं, वो कौन कौन से फैक्टर थे? न्यूक्लियर चार्ज था नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड कौन सा था, आयनाइजेशन एनर्जी था, शेल्डिंग इफेक्ट था, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा कुछ सब फैक्टर्स भी है, कुछ सब ऐसे फैक्टर्स है, कभी कभार ये सब कुछ ज्यादा होंगे लेकिन फिनोमेना ऑपोजिट होगा। कैसे? देखो जनाब, देयर आर सम सब पैटर्न व्हिच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हिच आर कुछ सब पैटर्न्स भी हैं व्हिच आल्सो अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द नेचर ऑफ द कंबाइनिंग एटम। भाई आप दोनों एटम्स को देखो एक दूसरे के साथ कितना वो आप नेचर देखे, नेचर कंबाइनिंग एटम देखे, फॉर एग्जांपल ऑफ HFO, ऑफ HF को देखो और साथ-साथ ऑफ HI को देखो। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में जो क्लोरीन होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, अब आयोडीन है तो अब इसका थोड़ा सा कम है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आते हैं अभी आप लोग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से अब इन दोनों का नेचर है एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर देगा, तो नेचर पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा एटॉमिक वॉल्यूम, आप वॉल्यूम को देखें, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अगर किसी एटम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है यानी रेडियस इसका बहुत ज्यादा बड़ा है तो अभी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कमजोर पड़ेगा, और अब अगर वो एटम किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉनों का इश्तराक कर देता है तो मुश्तरक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच नहीं सकेगा, क्योंकि अभी क्या है, क्योंकि अभी उस एटम का साइज वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा है, और सिमिलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इलेक्ट्रॉनों का चाहत अपने तरफ, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जब कोई किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाता है, किसी एटम के वैलेंस शेल में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आके जमा हो जाता है, उससे जितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉनों के जमा करने की सलाहियत मौजूद न हो तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ज्यादा होगा? तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाता है। और सिमिलरली द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पर भी डिपेंड करता है, आप आयनाइजेशन एनर्जी को भी पढ़ेंगे। अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उसके वैलेंस शेल का, इसके न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा है। अब उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी के साथ उन्होंने शेयर किया है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी के साथ खींच सकता है। तो जनाब ये कुछ सब फैक्टर्स है, लेकिन आप मेन फैक्टर याद करें, ये जो सब फैक्टर्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत ईटा के लिए और जो NMDCAT एक्सेट्रा तुम्हारे जो कोर्सेज है जो बाद में तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को जहन में रखना होगा आप लोगों ने, वरना आप लोगों को फिर MCQs हल करने में बहुत मसला होगा। अभी जनाब इसका ट्रेंड्स क्या है, पीरियोडिक टेबल में जब ऑफ ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में या ऑफ पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो इसके ट्रेंड्स क्या बनते हैं जनाब, जरा देखते हैं।
आप लोगों ने लिखा है ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आते हैं इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज। क्यों क्यों उनके ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आते हैं आप जरा देखें हमारे पास पहला ग्रुप में लिख देता हूं हाइड्रोजन इसके न्यूक्लियस पैलेशन में वन इलेक्ट्रॉन, इसके बाद लिथियम है तो न्यूक्लियस पैलेशन में वन इलेक्ट्रॉन फिर वन इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम है न्यूक्लियस दो देन एट एंड देन वन इलेक्ट्रॉन, फिर पोटाशियम है न्यूक्लियस दो देन एट देन एट एंड देन वन इलेक्ट्रॉन एंड नीचे की तरफ आप आ जाए इसको छोड़ो गोली मारो और ना करो क्योंकि टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो क्या हो जाता है न्यू शेल्स का इजाफा होता है कि नहीं होता है, मुसलसल नई नई शेल्स का इजाफा होता है और जब नई शेल का इजाफा होता है तो क्या हो जाता है न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल पर कमजोर पड़ता है। अब अगर ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर देता है तो जनाब ये अपने इलेक्ट्रॉन पर इसका होल्ड कमजोर पड़ रहा है तो यार शराकती इलेक्ट्रॉन को कैसे अपने तरफ खींच लेगा। तो जाहिर बात है ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो न्यूक्लियर जो साइज होता है एटम का साइज बढ़ जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कमजोर पड़ता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी कम पड़ जाता है। लेकिन अब अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो क्या जो देखो ये बेरिलियम ये लिथियम है हमारे पास इसके साथ हम बेरिलियम लगा देते हैं बेरिलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन फिर बोरान आता है तो वैलेंस और थ्री इलेक्ट्रॉन फिर कार्बन आता है दो एंड फोर इलेक्ट्रॉन फिर नाइट्रोजन आता है न्यूक्लियस एंड देन फाइव इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन आता है न्यूक्लियस दो एंड देन सिक्स इलेक्ट्रॉन और फिर हमारे पास क्लोरीन का नंबर आता है। तो जाहिर बात है अभी यहाँ पर प्रोटॉन तीन है यहाँ पर चार है यहाँ पर पांच छह सेवन एट एंड देन अगर पीरियड में आप देखें तो सेम पीरियड में शेल रिमेन कांस्टेंट यहाँ पर भी दो शेल यहाँ पर भी दो शेल सारी के सारी में दो दो शेल पड़े हैं लेकिन देखो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज वन बाय वन इंक्रीज होता है यहाँ पर तीन प्रोटॉन है यहाँ पर चार प्रोटॉन है। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ इश्तराक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और इस एटम ने भी किया है तो अभी ये जो नाइन प्रोटॉन इसको मुश्तरक इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा और यहाँ पर तीन प्रोटॉन मुश्तरक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो बताओ कौन से ज्यादा अपने तरफ खींच सकता है नाइन प्रोटॉन वाले ज्यादा मुश्तरक इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो यू लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है लेकिन टॉप टू बॉटम जब आप आता है टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो क्या हो जाता है डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल गोइंग टू इंक्रीज टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल गोइंग टू डिक्रीज हो समझ आया। तो ये है जनाब आपने घर में जाके पढ़ना है अच्छी तरह से पढ़ना है। अब अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर मसला नहीं है तो घर में अच्छी तरह से पढ़ा करें और अगर चैनल वालों को मसला है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ वो घंटी का बटन भी दबाइए ताकि तुम्हें हर वीडियो के अपडेट बर वक्त मिलते रहे ताकि तुम्हें कोई मसला और ना हो। थैंक यू और इस तरह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगा सी यू नेक्स्ट टाइम अस्सलाम वालेकुम।